गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, लास्ट क्लास हमने फिल्ट्रेशन पढ़ लिया था, राइट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड मेथड, दैट इज सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। अब ये सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, कैसे यूज करते हैं हम इसको, और ये कैसे काम करता है, हम यहाँ पर किन मिक्सचर्स को अलग अलग कर पाते हैं, इसी चीज़ को यहाँ अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। तो देखिए, हेडिंग डाल लें आप, सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। इफ वी हैव अ मिक्सचर ऑफ फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड। अब मान लीजिए मेरे पास एक कोई लिक्विड है और उसमें जो पार्टिकल्स मिक्स हुए हैं, मिक्सचर है, वो काफ़ी छोटे छोटे हैं और वो सेटल भी नहीं होते, वो सस्पेंशन वाले हैं, वो पूरे लिक्विड में फैले हुए हैं। देन वी कैन सेपरेट इट बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन बाय यूजिंग अ फिल्टर पेपर। तो इनको तो हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर से छान लेंगे। अब जिनकी पार्टिकल्स की साइज बड़ी होती हैं, वो क्या करेंगे, ऊपर फिल्टर पेपर के ऊपर छन जाएंगे, जिनको हम रेसिड्यू कहते हैं। जबकि प्योर वाटर क्या होता है, उस फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा, क्योंकि उसकी साइज काफ़ी छोटी होती है और वो हमें फिल्ट्रेट के फॉर्म में मिल जाता है। जबकि दिस प्रोसेस इज हाउएवर वेरी स्लो। हाँ, ये बात भी है कि जो प्रोसेस है फिल्ट्रेशन का, वो क्या है, काफ़ी स्लो होता है। बट वी कैन सेपरेट द सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस इन अ लिक्विड वेरी रैपिडली बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। अब पहले तो हमारा नेचर होता है ना, हम काम को सोचते हो जाए, फिर जब काम होने लगता है तो हम सोचते हैं अब ये काम थोड़ी सी स्पीड से हो जाए। जैसे एक टाइम का सिर्फ हमारे पास फीचर्ड फ़ोन हुआ करते थे, फीचर्ड फ़ोन मतलब वो कीपैड वाली। फिर एक टाइम आया, वो स्मार्टफोन बना, तो उस टाइम पे बस लोगों को ये था कि हाँ मुझे वीडियोज़ वगैरह दिखाई दे, कैमरा रहे बस। आज फैशन के नाम पे हम फ़ोन यूज करते हैं, फ़ोन से बहुत सारे काम करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें होने लगी। तो टाइम के साथ साथ हमारी डिमांड क्या होती है, बढ़ती रहती है। इन द सेम वे, पहले तो फिल्ट्रेशन आया तो काफ़ी अच्छा काम कर रहा था, फिर बाद में पता चली थोड़ा स्लो है, कुछ और नया ट्राई किया जाए जिससे कि ये फास्ट हो सके। तो फिर क्या ढूंढा गया, नया मेथड ढूंढा गया जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन इज डन बाय यूजिंग अ मशीन कॉल्ड सेंट्रीफ्यूज। उसके लिए हम एक नया मशीन बनाए, उस मशीन का नाम रखा गया सेंट्रीफ्यूज। वी कैन नाउ से दैट, अब हम कह सकते हैं, आप यहाँ से डेफिनेशन लिखेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ मेथड फॉर सेपरेटिंग द सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड इन विच द मिक्सचर इज रोटेटेड और स्पन एट हाई स्पीड इन अ सेंट्रीफ्यूज। आप कह सकते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें कि सस्पेंडेड मिक्सचर के पार्टिकल्स को अलग अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको काफ़ी तेज, जो मशीन है सेंट्रीफ्यूज उसकी हेल्प से काफ़ी तेज रोटेट करते हैं, और इस तरह से जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर हो जाते, जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और जो भारी पार्टिकल्स हैं वो नीचे हो जाते हैं, और इस तरह से हम उनको अलग अलग कर पाते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल अगर आपको इसका लेना है तो आप ब्लड का ले सकते हैं और दूसरा मिल्क का ले सकते हैं। हाँ, ब्लड और मिल्क का सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से हम इनको अलग अलग करते हैं। जैसे ब्लड में प्लाज्मा है तो उनको अलग करने के लिए, ब्लड सेल्स वगैरह को अलग करने के लिए वहाँ पर हम सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज करते हैं। क्लियर है? आप अगर सेंट्रीफ्यूग का जो मशीन होता है उसकी डायग्राम देखना चाहें तो आपके सामने ये है, और ये ब्लड सैंपल है, इसमें प्लाज्मा और ब्लड सेल्स होती है, इनको अलग करने के लिए भी क्या यूज किया जाता है, सेंट्रीफ्यूग का यूज किया जाता है, और मेथड जो है उसको सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। आपने भी रिसेंटली सुना होगा दिल्ली में या फिर बड़ी बड़ी सिटीज़ में लोग प्लाज्मा ट्रीटमेंट प्रिफर कर रहे थे कोविड की प्रोटेक्शन के लिए। हाँ, उसके इलाज में, कोविड ट्रीटमेंट में प्लाज्मा थेरेपी यूज की जा रही थी, तो उसके लिए प्लाज्मा चाहिए होता है, और ये प्लाज्मा यही जो ब्लड सैंपल लिया जाता है उसी से अलग किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। तो आपने डेफिनेशन लिख लिया होगा, नहीं लिखे हैं तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, ओके। नेक्स्ट इट इज गिवन दैट इन दिस मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, अगर हम इस सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड की बात करें तो इसमें क्या होता है, द मिक्सचर ऑफ फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड इज टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब कॉल्ड सेंट्रीफ्यूग ट्यूब। तो पहले हम छोटा सा मिक्सचर ले लेते हैं सैंपल, और उसको टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूग ट्यूब।
द टेस्ट ट्यूब इज प्लेस इन अ सेंट्रीफ्यूग मशीन एंड रोटेटेड रैपिडली फॉर सम टाइम। उसके बाद जो ये टेस्ट ट्यूब है जिसमें कि हमने सैंपल रखा है उसको सेंट्रीफ्यूग मशीन में जहाँ जगह होती है उसको वहाँ फिट कर देते हैं और फिर उसके बाद सेंट्रीफ्यूग मशीन को स्टार्ट कर देते हैं। वो क्या करता है, उस टेस्ट ट्यूब को इतनी तेज रोटेट करता है कि उसके अंदर जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो तो नीचे बैठ जाते हैं और जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। आगे देखिए, एज द मिक्सचर रोटेट्स राउंड रैपिडली। अब जैसे सेंट्रीफ्यूग मशीन काम करना स्टार्ट करता है वो टेस्ट ट्यूब जिसमें कि सैंपल रखा गया उसको काफ़ी तेज़ी से रोटेट करने लगता है। अ फोर्स एक्ट्स ऑन द हैवियर सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन इट एंड ब्रिंग्स देम डाउन टू द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब उसमें जो भारी पार्टिकल्स हैं उन पे फोर्स लगता है और वो क्या करते हैं नीचे जाके बैठ जाते हैं, जबकि जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो अभी भी ऊपर रह जाते हैं। द क्लियर लिक्विड बीइंग लाइटर। अब जैसे प्योर लिक्विड होती है जो कि एकदम क्या होगी हल्की, तो वो हल्का है तो वो ऊपर रह जाएगी, जबकि जो उसके अंदर मिक्सचर में पार्टिकल्स थे सस्पेंडेड पार्टिकल्स वो भारी होने की वजह से नीचे बैठ जाएंगे और इस तरह से हम वहाँ फिल्ट्रेशन मेथड वापस से करेंगे, छान कर अलग अलग कर लेंगे। वी कैन सेपरेट द क्ले पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन द वाटर वेरी रैपिडली बाय द मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। अब कीचड़ वाला पानी ले लें आप, कीचड़ वाला पानी वो गंदा होता है ना, अब उसको वैसे छोड़ दो वो एकदम क्लीन कभी नहीं हो सकता। अगर आप उसको क्लीन करना चाहते हैं तो फिर से आप वही मेथड यूज करें, सेंट्रीफ्यूगेशन एक टेस्ट ट्यूब लें और उसको सेंट्रीफ्यूग टेस्ट ट्यूब कहते हैं, उस पर अपने सैंपल को डालें, उसको फिक्स करें और फिर सेंट्रीफ्यूग मशीन को स्टार्ट कर दें। वो इतनी तेज रोटेट करेगा कि उसके अंदर जो सॉयल के पार्टिकल्स वो भारी होने की वजह से नीचे बैठ जाएंगे, जबकि जो प्योर वाटर है वो हल्का होने की वजह से ऊपर रह जाएगा। और इस तरह से हम दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। द सस्पेंशन ऑफ क्ले पार्टिकल्स इन वाटर इज टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड रोटेटेड वेरी फास्ट इन द सेंट्रीफ्यूग मशीन। अब ये जो सस्पेंशन क्ले पार्टिकल्स के होती हैं जो कि उस पानी में मिल गए होते हैं उनको जब रोटेट करते हैं तो भारी होने की वजह से वो नीचे बैठ जाते हैं और क्लियर वाटर ऊपर हो जाता है। द क्ले पार्टिकल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब एंड क्लियर वाटर रिमेन्स एट द टॉप। दे कैन नाउ बी सेपरेटेड बाई डिकेंटेशन। अब डिकेंटेशन प्रोसेस की हेल्प से आप उनको अलग अलग कर पाते हैं। डिकेंटेशन का मतलब छान कर अलग अलग करके, यानी कि आप आराम से उसको दूसरे कंटेनर में पलट लेंगे और इस तरह से आपका प्योर वाटर और मड अलग अलग हो जाते हैं। तो आप इसको कैसे लिख लेंगे, हाँ इसकी वर्किंग आप यहाँ से लिखेंगे, ओके एंड देन यहाँ तक आप नोट कर लेंगे, कर सकते हैं। चलिए ये है इसका डायग्राम, डायग्राम से थोड़ी सी और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। देखिए ये, देखिए ये हमारे टेस्ट ट्यूब जिसमें हम लिक्विड को भरते हैं, इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूग टेस्ट ट्यूब, ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रीफ्यूग में फिक्स हो जाता है आराम से। अब इसमें जो लिक्विड भरी गई है यही मिक्सचर है, इसमें देखिए पार्टिकल्स लिक्विड सब है ना, सस्पेंडेड पार्टिकल्स यहाँ देखेंगे तो ये क्लियर लिक्विड और नीचे जितने भी उसके अंदर पार्टिकल्स मिक्स हुए तो सब नीचे इकट्ठा हो गए। फिर हम क्या करेंगे, इसको आराम से डाल अलग कंटेनर में पलट लेंगे, प्योर वाले अलग हो जाएंगे और ये मिक्सचर में जो पार्टिकल्स थे वो अलग हो जाएंगे। इस तरह से हम इनको डिकेंटेशन प्रोसेस से अलग अलग कर लेंगे। ये है बिफोर सेंट्रीफ्यूगिंग, यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले ऐसा था, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद मुझे, खत्म होने के बाद ये मुझे ऐसे मिलेगा। और सेंट्रीफ्यूगेशन कैसा होता है आप ये देख लें, ये है मेरा पूरा लिक्विड जिसको इसमें भरा गया है, ठीक है, ये मेरा सेंट्रीफ्यूग टेस्ट ट्यूब जो कि ऐसे लॉक किया गया है ताकि वो बाहर ना निकले। अब जिसको काफ़ी तेज रोटेट करेंगे तो क्या होगा, इसमें के जो प्योर लिक्विड होगी वो ऊपर आ जाएगा और जो उसके अंदर पार्टिकल्स होंगे हैवी पार्टिकल्स वो नीचे बैठ जाएंगे। अब ऐसे देख लें, सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। आपको पता है कि दूध से क्रीम को अलग किया जाता है, वो उसके लिए भी हम यही मेथड यूज करते हैं। कौन सा, हाँ सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज करते हैं। देखिए कैसे काम करता है, मिल्क इज अ सस्पेंडेड मिक्सचर ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल और क्रीम। जो मिल्क है ना उसमें ढेर सारे ड्रॉपलेट्स होते हैं किसके, ऑयल के, जिसको हम क्रीम कहते हैं, इन अ वाटर लिक्विड। द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूज इन डेरीज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। अब जो डेरीज होती हैं जहाँ पे दूध वगैरह रिलेटेड काम किया जाता है वहाँ पर
हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन। इससे क्या होता है, जो दूध के अंदर घी होता है हम उसको मक्खन बोलते हैं ना, उसको अलग कर लेते हैं। द मिल्क इज पुट इन अ क्लोज्ड कंटेनर इन अ बिग सेंट्रीफ्यूग मशीन। अब क्या कहता है, उस दूध को एक बड़े से क्लोज कंटेनर में, यानी कि बाहर से लॉक किया जा सके ऐसे कंटेनर में रखा जाता है, फिर सेंट्रीफ्यूग मशीन को स्टार्ट किया जाता है। व्हेन द सेंट्रीफ्यूग मशीन इज स्विच्ड ऑन द मिल्क इज रोटेटेड और स्पन एट वेरी हाई स्पीड इन इट्स कंटेनर। और उसके बाद क्या होता है, जैसे मशीन स्टार्ट होगी वो पूरे कंटेनर को रोटेट करने लगती है, और इस तरह से जो हल्के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर और जो भारी पार्टिकल्स वो नीचे इकट्ठा हो जाते हैं। ड्यू टू दिस मिल्क सेपरेट इन टू क्रीम्स एंड स्किम्ड मिल्क। इस तरह से अब हमारा जो दूध है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक क्रीम और दूसरा बिना क्रीम वाली दूध। द क्रीम बीइंग लाइटर फ्लोट्स ओवर द स्किम्ड मिल्क। अब इसमें जो क्रीम होता है वो हल्का होता है, वो ऊपर तैरने लगता है, और बाकी जो मिल्क होती है वो थोड़ी सी भारी होने की वजह से नीचे बैठ जाता है। इट कैन देन बी रिमूव्ड। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऊपर से जो क्रीम इकट्ठा हुई है उनको निकाल लेते हैं, और इस तरह से क्रीम को सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड की हेल्प से मिल्क में से हम बाहर निकालते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इज ऑल्सो यूज इन वॉशिंग मशीन्स टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ्स एंड मेक देम ड्राई। आप देखे होंगे जो एडवांस टेक्नोलॉजी वाले वॉशिंग मशीन्स आती हैं वो क्या करते हैं, कपड़े को सुखा भी देती हैं। वो इसी प्रोसेस पर काम करती हैं, उस कपड़े को इतनी तेज वो रोटेट करते हैं कि इसके अंदर के जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाते हैं और कपड़ा सूख जाता है। क्लियर है? फिर आगे देखिए, द मेथड्स ऑफ फिल्ट्रेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन विच वी हैव जस्ट डिस्कस कैन बी यूज टू सेपरेट इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड। ठीक है, अभी चाहे हम फिल्ट्रेशन की बात करें या सेंट्रीफ्यूगेशन, दोनों ही मेथड वहाँ यूज की जाती है जहाँ पर लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर ऐसा हो जिसमें कि सॉलिड कम्प्लीटली सोल्यूबल ना हो। हमें दिख के लगेगा, अगर आप दूध देखेंगे तो आपको देख के लगेगा कि कम्प्लीट मिक्सचर है, जबकि ऐसा नहीं होता। दे कैन नॉट सेपरेट अ डिजॉल्व सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड। अब अगर मैं यहीं पे चीनी पानी या नमक पानी का मिक्सचर ले लूँ और उनको अलग करने की कोशिश करूँ तो फिर वहाँ पे ना फिल्ट्रेशन काम आएगा और ना ही सेंट्रीफ्यूगेशन। द सेपरेशन ऑफ अ डिजॉल्व सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड कैन बी डन बाई अ नंबर ऑफ मेथड्स सच एज इवापोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी एंड डिस्टिलेशन। तो फिर हम उनको कैसे अलग करेंगे, तो उसके लिए मेरे पास कई मेथड्स होते हैं, जैसे कि इवापोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी एंड डिस्टिलेशन। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले आपको जो लिखना है वो आप यहाँ तक नोट करेंगे, इसको कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और आज इतना ही आप नोट करिए। अगले क्लास में हम पहले इवापोरेशन पढ़ेंगे, फिर वहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन सीखेंगे, क्रोमेटोग्राफी सीखेंगे, और फिर डिस्टिलेशन पे बात करेंगे। एक एक करके हम सबको डील करते रहेंगे। तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट थैंक यू सो मच।